सुप्रभात। आज हम कक्षा 11वीं में गृह विज्ञान के पाठ 12 कढ़ाई सिलाई के बारे में पढ़ेंगे। हाथ की सिलाई करने के लिए हमें टांकों की आवश्यकता होती है ना, सुई धागे की, टांके की सिलाई या मशीन के सिलाई की। सिलाई के टांके कई प्रकार के होते हैं। जैसे सादा टांका सीधे सीधे ये इस टाइप की होती है। कपड़े कटे फटे कपड़े जो होते हैं उनको सिलने के लिए कच्चे टांके दो वस्त्रों को जोड़ने के लिए उपयोग किया जाता है ना। जैसे ये बताया, ये सुई है ये, और ये खड़े टांके में भी कई जगह होते हैं। जैसे टांका और जगह बराबर है, फिर दुगने टांके, खड़े टांके कोट पैंट में लगाए जाते हैं। जेंट्स के कोट पैंट या शर्ट में लगाए जाते हैं, है ना। फिर आगे देखते हैं हम और कौन कौन से। छोटा कच्चा टांका होता है चुन्नट या स्मोकिंग में। स्मोकिंग एक इस टाइप की होती है जो इलास्टिक जैसे रहती है, उसको स्मोकिंग किसकी बढ़ती है, वैसी वाली चुन्नट डाल के करते हो। फिर तुरपाई कैसे गले ब्लाउज के गले के पट्टी में करते हैं। फिर जेंट्स के कुर्तों के सामने की पट्टी भी गले में, इसमें भी करते हैं हम तुरपन, है ना। और बाहों में गले की पट्टी में। फिर है तीन कच्चे एक बकिया होती है, जहां पर दोहरी सिलाई की जाती है। कैसी सिलाई? दोहरी सिलाई की जाती है। और वहां पर अंदर की ओर छोटे छोटे कच्चे टांके बीचों बीच किए जाते हैं। फिर और ये भी पट्टियां हैं। कपड़े को गोल चौकोर आकार में काटा जाता है। जैसे ये चित्र है, ये चौकोर कपड़ा है, ये ऐसे काटी जाती है पट्टी। और ये भी है ना, ये लेडीज के ब्लाउज या गले में लगा दी जाती है, ये ऐसी वाली पट्टियों को हम और ये भी पट्टियां कहते हैं। बगल में लगाए जाते हैं, गले में लगाई जाती है आदि। कपड़ों को गोल चौकोर आकार में काटा जाता है। फिर है आगे कि पट्टियों को जोड़ना, कैसे जोड़ते हैं। पट्टियां जोड़ने के लिए हमें समानांतर पट्टियों को हम एक दूसरे से मिलाकर जोड़ते जाते हैं। फिर काटने की विधि को देखते हैं कि कैसे काटी जाती। तिरछी ऊंची पट्टियां काटी जाती है ना। तिरछी ऊंची से कैसे? जब इनको लगाया जाता है अगर, तो ये वाला सिरा इसको और ये वाले सिरे को ऐसे लगाई जाती। फिर है ये पट्टियां। इसके बाद पट्टियों से ही हम कपड़े पर दो प्रकार की पट्टियां लगाई जाती। कैसी? फेंसिंग। सारी पट्टी अंदर की ओर मोड़ी जाती है और फिर उसको मोड़कर तुरपन जैसे करके लगाई जाती है। पाइपिंग गले के ब्लाउज में, लेडीज के ब्लाउज में देखा होगा अधिकतर पाइपिंग, कुर्ते में पाइपिंग अंदर की ओर मोड़कर की जाती है। कैसे की जाती है पाइपिंग? अंदर की ओर मोड़कर कसकर पकड़ के पाइपिंग की जाती है। अब है आगे बटन की पट्टी आवश्यकता अनुसार लगाई जाती है। कि बटन की पट्टी छोटी लगाना है या बड़ी लगाना है, या बाजू में लगाना डिजाइन के लिए, या साइड में लगाना है, इस टाइप से ये बटन की पट्टियां चुनना पड़ती है ना, आवश्यकता के अनुसार। फिर काज बनाना,
काज बनाए जाते, काज भरे जाते, काज सुई धागे के द्वारा और छोटा ही छोटे छोटे गोलों में साइज में हम इनको काट लेते हैं, फिर इनको धागे से भरते हैं, इन्हें काज बोलते हैं। बटन या हुक लगाना, हुक लगाना, इनको भी स्टिच करके, स्टिच बटन वाले भी हुक आते हैं आजकल, चटकनी बटन वाले होते हैं है ना, और एक सिलने वाले भी होते हैं, आई बनाकर लगाए जाते हैं। फिर सीट के बटन भी आते हैं आजकल, हुक लगाना और आई बनाना। बटन पट्टी में कितने प्रकार की है, ये काज बनाना, गोल चौकोर बनाना, बटन पट्टी या हुक लगाना, फिर स्टिच वाली जो चटकनी वाली होती है उनको लगाना बटन, फिर सीट वाली, हुक वाली। अब देखेंगे कि हुक को हम कैसे लगाते हैं। फिर बताया पहले ये बटन का बताया कि बटन गोल होती है और इसको भी ये वाली भी हम लगा सकते हैं, ये बटन है ना। फिर सीट बटन कैसी होती है, गोल और बीच से सीट जैसी बनी हुई होती है, ये आसानी से लग जाती है। इसमें चार छेद होते हैं, कपड़े के बटन में नहीं होते, जो कपड़े के बटन बनते हैं उनमें वो ऐसे होते हैं पूरे भरे हुए, कपड़े के बटन बनाते हैं ना आजकल डिजाइनों में, कपड़ों में डिजाइनर के तौर पे लगाए जाते हैं, उसमें ये छेद नहीं होते और ये ऊपर की तरफ से नीचे से स्टिच होके लग जाते हैं। अब है हुक लगाना, हुक देख रहे हैं, हुक इस टाइप से होते, सभी ने देखे होंगे अपने अपने कपड़े में के हुक लगे रहते हैं, कभी डिजाइन के रूप में, कभी ब्लाउज में, कभी शर्ट में, है ना, ये इस टाइप का हुक होता है। बटन होल स्टिच से लगाए लगाना चाहिए। फिर आई बनाते हैं, आई धागे से बनाई जाती है, आई से क्या मतलब है, जैसे ये हुक है वैसे ही ये आई बनती है, ऐसे ऐसे ये आई बनती है। अब तो इसमें और अंदर की तरफ ये खोखला रहता है, इसमें हुक हुक लग जाता है ना, ये एक जगह पर तीन चार बार धागे से टाके लगाए जाते हैं और भर दिए जाते हैं तो आई बन जाती है। अब हम आप लोगों को ये सब पूरे क्वेश्चन आंसर करने हैं इसके, और आगे के लिए कढ़ाई के बारे में पढ़ के आना है आपको बच्चों, कि कढ़ाई कितने प्रकार की होती है या कैसे की जाती है।